नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। एक अधिवक्ता द्वारा अपने साथी से मिलकर एक महिला को उसके मकान पर कब्जा करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने आज जिलाधिकारी की शरण ली है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंड पाठा नंदनपुरा में रहने वाली गायत्री देवी पत्नी स्वर्गीय दयाशंकर ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए उन्हें अवगत कराया कि 2 साल पहले उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी थी। इसके लिए उसने अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह से बात की तो पुष्पेंद्र सिंह ने उसे मकान गिरवी रखकर रुपए देने की बात कही। इस पर वह तैयार हो गई। पुष्पेंद्र ने उसे तहसील से जाकर लिखापढ़ी करा ली। इसके बाद यह कहकर उसे टाल दिया कि बैंक के अभी सर्वर नहीं आ रहे हैं, जब सर्वर आ जाएंगे तो उसे पैसा मिल जाएगा। इसके बाद जब भी उसने रुपए मांगे तो अधिवक्ता ने टाल मटोल की। गायत्री का आरोप है कि पिछले दिनों पुष्पेंद्र अपने एक अन्य साथी राम कुमार के साथ आया और उसे धमकी दी कि यदि उसने मकान खाली नहीं किया तो वह उस पर कई मुकदमे दर्ज करा देगा। पीड़ित गायत्री ने जिलाधिकारी से सुरक्षा किए जाने तथा न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ विजय माहौर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गायत्री। क्या समस्या लेकर आई हो? मकान की समस्या लेके आई थी हम साहब के पास कि हमारा मकान हमें दिया जाएगा और काना को। किसने ले लिया आपका मकान? पुष्पेंद्र वकील ने धमकी देता है मानने की धमकी दे। तो मकान पे कब्जा कर लिया क्या? नहीं, हमारा कब्जा नहीं किया हुआ था। हमारा कब्जा अच्छा खाली करा लेंगे कोर्ट से हम। अच्छा।